स्पोर्ट्स प्रभु दयाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एथलीट का विल पावर ही आपको जिताता है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आज उन बच्चों के लिए ये बातें बताना चाहता हूँ जो ध्यानपूर्वक सुने। जो बच्चे बिल्कुल रॉ मटेरियल हैं और वो फौज में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है कि वो शुरू शुरू में पूछते रहते हैं सर पहले क्या करें, वो बच्चे बहुत सारे इंजूर हो जाते हैं। तो बच्चे इंजूर क्यों होते हैं, 1600 मीटर भागना पड़ेगा आपको। तो मैं जैसे आज आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ उसको फॉलो करें जिससे आपके इंजूरी कम हो। और धीरे धीरे ये मैं आपको प्रोग्राम केवल 15 दिन का बता रहा हूँ, जो 15 दिन या आप एक महीने तक आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आप मैं ये प्रोग्राम बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें आपको ज्वाइन कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़े। तो सोमवार के लिए जो बच्चे बिगनर हैं वो क्या करें कि ग्राउंड में आए। ग्राउंड में आने के बाद में पहले देखें कि आप 2 चक्कर वॉकिंग कर लें, बस सीधा वॉकिंग करने के बाद में आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा भाई घूम लिया। मैं घुमाई करने के बाद में क्या कहता हूँ कि चार राउंड जो 400 मीटर के 4 राउंड है वो आप थोड़ा जॉगिंग कीजिए। जॉगिंग करने से कभी जोर नहीं आता लेकिन शरीर आपका गर्म हो जाएगा। और जनरल एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग करने के बाद तो जनरल एक्सरसाइज कर लोगे तो शरीर में जनरल एक्सरसाइज हर टाइम में मेरी बताई हुई है वो आप फॉलो कर लीजिए। या आपका सोमवार का सुबह का प्रोग्राम जैसे 400 मीटर भागे आप, फिर आपने जनरल एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में आपको बताता हूँ कि 3 राउंड फिर जॉगिंग कीजिए, फिर 2 राउंड वॉकिंग कीजिए, फिर 2 राउंड जॉगिंग कीजिए, फिर 2 राउंड वॉकिंग कर लिए। इस प्रकार ये सोमवार का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को आपको क्या करना है कि वैसे ही आप जैसे सुबह आए हो शाम को आते ही आप 1 या 2 राउंड वॉकिंग कीजिए और 4 राउंड वार्म अप कर लीजिए। 4 राउंड वार्म अप करने के बाद में वो ही फॉलो कीजिए आप, जैसे 1 राउंड जॉगिंग 1 राउंड वॉकिंग 1 राउंड जॉगिंग 1 राउंड वॉकिंग, इस प्रकार से 3 बार कर लीजिए। ये आपका मंडे का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको मंगलवार का प्रोग्राम बताता हूँ। मंगलवार को आपको क्या करना है कि आपको जैसा भी आपके पास में रनिंग करने के लिए जगह है वहाँ आप 10 या 15 मिनट कंटिन्यूस कर लीजिए। कंटिन्यूस उसको बोलते हैं कि वो ही जॉगिंग टाइप जैसे धीरे धीरे स्लो कंटिन्यूस कीजिए जिससे जो आपका शरीर है वो थकान तो महसूस करे लेकिन टाइट ना हो। मैं आपकी मांसपेशियां पहले एबिचुअल नहीं है तो मंगलवार को आकर के 10, 15 या 20 मिनट तक खींच लीजिए, कोई बात नहीं। 15-20 मिनट जाते हो टाइम नहीं लगता और आप कंटिन्यूस स्लो रनिंग कीजिए जिससे आराम से आपकी स्लो रनिंग हो जाएगी और जनरल एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपका मंगलवार का सुबह का प्रोग्राम हो गया। आप नए हो इसलिए मंगलवार को शाम की टाइम आप रेस्ट कर लीजिए। इस प्रकार से ये मंगलवार का प्रोग्राम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बुधवार को आपको क्या करें। बुधवार को वेडनेसडे को आप क्या करें कि जहाँ भी ऐसे 2 दिन का प्रोग्राम किया है आप नए हो तो कहाँ ग्रास रनिंग दे लीजिए, जहाँ घास हो या आपके जूते, मैं कह रहा हूँ आपके स्पंजी पहनिए, जो जूते हैं बहुत ही लाइट और स्पंजी होने चाहिए। आप शुरू कर रहे हो रेस जैसे दौड़ना तो जूते अच्छे होने चाहिए। ग्रास रनिंग जहाँ पे है आप 15 या 20 मिनट जॉगिंग कीजिए। ग्रास रनिंग नहीं है तो कोच साहब हमारे पास नहीं है, मैं जैसे राजस्थान का हूँ तो आप धूल में दौड़ लीजिए। करीब 15 या 20 मिनट दौड़ोगे तो आपका दौड़ने का मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ स्लो कंटिन्यूस, इसमें कोई मेथड नहीं है। बच्चे यदि अनफिट होते हैं तो शुरुआत में होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जॉगिंग पे रह दीजिए और ये 15-20 मिनट ग्रास रनिंग या सैंड रनिंग की, उसके बाद में जनरल एक्सरसाइज कर लीजिए और कूल डाउन आप हो जाओगे। ये आपका बुधवार का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को मैं आपको क्या कहता हूँ कि आकर के अच्छी तरह से वार्म अप की, उसको कहते हैं कि आप नए हो इसलिए वार्म अप उसको है 2-4 चक्कर आप धीरे धीरे जॉगिंग करें और जॉगिंग करने के बाद में मैं आपको कहता हूँ कि जनरल एक्सरसाइज और लाइट टाइप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसको बोलते हैं कि नॉर्मल जो एक्सरसाइज है जैसे आप खड़े खड़े हो जैसे लाइट होता है वो स्ट्रेचिंग और जनरल एक्सरसाइज हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका बुधवार का प्रोग्राम हो गया, 3 दिन का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार का बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार को आप क्या करते हो कि जैसे प्रोग्राम कर रहे थे आप नए हो इसलिए आप क्या करना है, आपको फास्ट वॉकिंग करनी है। आपको रनिंग नहीं करना है, क्या करना है फास्ट वॉकिंग, कितने करीब 2 किलोमीटर के लगभग 5 राउंड 400 मीटर के कर लीजिए या 2 किलोमीटर वॉकिंग कर लीजिए। आप फास्ट वॉकिंग किया तो आप थोड़ा सा थकान होती है तो आप 2 किलोमीटर पर स्लो वॉकिंग कीजिए। फास्ट वॉकिंग और स्लो वॉकिंग में रहिए बृहस्पतिवार को और उसके बाद में जनरल एक्सरसाइज कर लीजिए। इस प्रकार से आपका ये थर्सडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को आपको आकर के वार्म अप करना है और 5 चक्कर लगाने हैं। वार्म अप में वो ही आपको स्लो कंटिन्यूस वार्म अप करना है, 5 चक्कर लगाओ जनरल एक्सरसाइज करो और उसके बाद में क्या करना है कि आप थोड़ा सा
जॉगिंग वही जॉगिंग पे रहिए, दो राउंड जॉगिंग, दो राउंड वॉकिंग, दो राउंड जॉगिंग, दो राउंड वॉकिंग, इस प्रकार से आप ये थर्सडे का प्रोग्राम शाम का हो गया। शुक्रवार का प्रोग्राम बताता हूँ कि आपको शुक्रवार को क्या करना है। आपको शुक्रवार को कुछ नहीं करना है, आकर के धीरे धीरे वॉकिंग करते, जैसे भी वॉकिंग करते हो 10 या 5 मिनट वॉकिंग कर लिया, 5 मिनट वॉकिंग करो, उसके बाद में आप 15 मिनट तक स्लो कंटिन्यूस, जिसको बोलते हैं कि इजीली आप दौड़ना, आपको उसको जॉगिंग बोल सकते हो, स्लो कंटिन्यूस बोल सकते हो, इसमें आपको थकान नहीं आएगी, आपका सांस नहीं बढ़ना चाहिए, आप तो 15 मिनट तक कंटिन्यूस करो, उसके बाद में यही जो जनरल एक्सरसाइज है वो कर लो। ये आपका सुबह का प्रोग्राम शुक्रवार का हो गया। शाम को आपको क्या करना है कि आप नए शुरू आपने किया है तो आप मसाज कर लीजिए। मसाज जैसे होता है शरीर का, जैसे कहीं भी आप अपने घर पे हो अच्छी तरह से, जैसे आपको शरीर है तो मसाज करने से आपकी बॉडी है ना, जो मसल्स भी आप तेल ऑयल का, जैसे कोई भी सरसों का तेल या तिल्ली का तेल जैसे भी है अवेलेबल है, आप धीरे धीरे मसाज करोगे आपका शरीर खुल जाएगा। इसके बाद में आपको मैं शनिवार का प्रोग्राम बताता हूँ। जैसे भी लोग जैसे पहले जैसे बच्चे और बच्चे करते हैं, आप शनिवार को आपका यही प्रोग्राम रहेगा कि आप आकर के वार्म अप करें, वार्म अप के बाद में अच्छी तरह से जनरल एक्सरसाइज करें और 10 मिनट की जॉगिंग करें। जॉगिंग करने के बाद में वो ही जनरल एक्सरसाइज और थोड़ा लाइट टाइप स्ट्रेचिंग कर लें। ये आपका शनिवार का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को आकर के आपको आते हो आप शाम को शनिवार के दिन अच्छी तरह से वार्म अप करें और एक एक चक्कर वॉकिंग, एक चक्कर वॉकिंग, एक चक्कर जॉगिंग, एक चक्कर वॉकिंग, एक चक्कर जॉगिंग, इस प्रकार से 4 चक्कर जॉगिंग और 4 चक्कर वॉकिंग, ये इस शनिवार का प्रोग्राम हो गया। इस प्रकार प्रोग्राम से आपको बेनिफिट क्या हो गया होगा कि जब आपने शुरू किया है, बच्चे क्या करते हैं कि भूल करते हैं, शुरू करते हैं तो उनको उमंग बहुत रहती है, वो जहाँ भी अकेडमी में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो टाइट हो जाते हैं बच्चे। और मैं आपको जो ये प्रोग्राम बता रहा हूँ ये आप अपने घर में फॉलो के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं है ये। जब कोई भी आदमी जब भागता है कोई बच्चा तो लोग जब देखते हैं, जो जनता जनार्दन देखती है तो वो बच्चा फराटा मारता है। आपको ये करना है कि इस प्रोग्राम में कहीं भी आपको फराटा नहीं लगाना है। यदि आपने फराटा लगाया और आपके मसल टाइट हो जाएंगे, जो रॉ मटेरियल होते हैं जिसने कुछ नहीं किया वो धीरे धीरे इस प्रोग्राम को फॉलो करे। और इसके बाद में जैसे ये आपने 15 दिन कर लिया या 20 दिन कर लिया, इसके बाद में आपका शरीर फिट हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने तक कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बोला इसमें थोड़ा 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 क्या है, थोड़ा जॉगिंग से थोड़ा सब मीडियम पेस की तरफ आना, आपका स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। और आप जैसे रोज़ बच्चों के साथ रहते हो अपने आप आपका मन लगा रहेगा, इसी प्रोग्राम को धीरे 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 थोड़ा बढ़ाओ, महीने भर फिट हो जाओगे। उसके बाद में आप कोई भी दूसरा प्रोग्राम शुरू करो जिससे आपके लेग इंजरीज, बहुत सारे बच्चों में होती है, सर मेरे यहाँ दर्द होता है, मसल्स पेन करती है, मेरे शिन पेन हो गया। क्यों होता है शिन पेन? या तो आप हार्ड सरफेस में दौड़ते हो, आते ही आपने फराटा लगाना शुरू कर दिया, शरीर आपका फिट है नहीं, और जब आप उसको खिंचाव करते हो तो उसमें इंजरी होती है। इस प्रोग्राम से आपको इंजरी नहीं होगी और आपका प्रोग्रेस होगा। जय हिंद जय भारत।